काश, क्या मतलब है इन दोनों चीजों का? एक तो चोट के निशान को जिस तरह से कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर जिन्होंने ऑटोप्सी की थी सवाल खड़े हुए, और ये जो एक आंख खुली एक बंद, लाफ असिस सिंपथिक जिसे कहते हैं आम भाषा में, जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या मतलब है इसका, क्या बताता है ये? पहले तो मैं, ये जो एक आंख बंद रहती है ये यूजुअली हैंगिंग में होती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, जो चोट के कौन से आप निशान बोल रहे थे? बिल्कुल, चोट के निशान, जो सवाल मुंबई से तीन डॉक्टर्स की टीम गई थी, डॉक्टर यादव भी उसमें शामिल थे, तीन डॉक्टर्स थे, उन्होंने यही पूछा वहां पर जाके कि लाइगेचर मार्क को आप एक्सप्लेन कीजिए, चोट का जो निशान है गले के बीचों बीच क्यों है, ऑब्लिक क्यों नहीं है, मतलब वो एंगल पे क्यों नहीं है, वो सीधा क्यों है, इस इन सब से क्या समझ में आता है? देखिए, इन सब से तो मतलब आप जैसे बता रहे हैं तो इसमें से समझ नहीं सकते, जब तक अगर बॉडी हमारे पास नहीं है पूरी, अगर नेक पूरा दिख नहीं रहा है तो हम कैसे बता सकते कि लैगेचर मार्क कैसा था? हाँ, तो बिना देखे हम लोग उस पर इंटरप्रिट नहीं कर सकते हैं कि तो ऑब्लिक था, नॉट था, निशान था, चोट के निशान। अभी मैंने हमने देखा नहीं है वो केस और वो बॉडी देखी नहीं है, तो मैं ऑब्लिक है या चोट के निशान है मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो क्या इसी वजह से एम्स से कंक्लूसिव रिपोर्ट कम से कम चोट के निशान को देखकर बिल्कुल नहीं लगाई गई है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी नहीं है? हाँ, हमारे पास बॉडी नहीं है एक्चुअली में। लेकिन क्या जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, हाई डेफिनेशन इमेजेस मंगाई गई थी मुंबई से नेक के डाइसेक्शन की, उससे कुछ पता चला, उससे कुछ साफ होता है, उसका क्या अर्थ होता है? मैम, लैगेचर मार्क के अगर फोटोग्राफ मिलते हैं तो वो एक ही बात, मतलब एक ही पार्ट बताता है। हाँ वो एक्चुअल जो बॉडी हम देखते हैं तो पूरा, हमको बॉडी में पूरा जो निशान है वो हाँ हमें अच्छे से दिखता है, और जिससे हम काफी इजीली इंटरप्रिट कर सकते हैं। ओनली बाय सीइंग ओवर ऑन द फोटो वी कैन नॉट इंटरप्रिट दैट कि दैट इज स्ट्रैंगुलेशन और सुसाइडल लैगेचर मार्क कूपर एंड व्हाट इज इट। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने क्यों नहीं किया, क्या लगता है आपको? उनसे लैप्स हुआ है, बहुत बड़ी चूक हुई है? मैम, वैसे तो मैं बोल नहीं सकता उनके, क्योंकि वो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं सारे, उन्होंने पूरा देखा होगा जितना मुझे पता है, बाकी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। डॉक्टर नेहा शर्मा, आपको क्या लगता है, तीनों सवाल आपके लिए भी जो मैंने इनसे पूछे थे, डॉक्टर नेहा शर्मा? जो मैम आप बात कर रहे थे ला फेशियस सिंपथेटिका, सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ एंटीमार्टम हैंगिंग, और हमने आज तक कभी भी किसी स्ट्रैंगुलेशन के केस में ये फाइंडिंग नहीं पाई गई है, तो ये एंटीमार्टम हैंगिंग में ही पाई जाती है। जहां तक तो रही मतलब बात, आप कह रही हैं कि इससे संकेत आत्महत्या के मिलते हैं? जी, ये जो स्पेसिफिकली जो एक आंख खुली एक आंख बंद, ये हैंगिंग में ही, दिस इज इंडिकेशन ऑफ एंटीमार्टम हैंगिंग, और हमारे लिटरेचर भी यही कहते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं लाइगेचर मार्क की, तो हमने तो वही फोटोग्राफ्स देखी हैं जो पब्लिक डोमेन में है, सो एज अ नॉन फोरेंसिक एक्सपर्ट, अगर कोई एज अ नॉर्मल पब्लिक में कहूं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट सिर्फ एक फोटोग्राफ के बेसिस पे होमिसाइड, सुसाइड, स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नेक डाइसेक्शन इज द बेस्ट थिंग, जो जिससे हम एग्जैक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ डाइसेक्टिंग द नेक, हमारे पास बॉडी नहीं है, उस केस में हमें मल्टी डायमेंशनल हमारी अप्रोच हो जाती है, जिसमें हम फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखेंगे, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फाइंडिंग्स भी देखेंगे। सो ऑल थिंग्स कंक्लूड एक तरफ जा सकते हैं, बट फिर भी सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स के बेसिस पे कुछ भी सटीक ओपिनियन देना सही नहीं है। ठीक है गणेश, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, हमने एम्स से जुड़े हुए दो बहुत बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया है, वो जो बातें कह रही हैं उस पर आपको क्या कहना है गणेश? मैं अभी जस्ट दूसरे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।